श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में भगवान शिव को गृहस्थ जीवन की देवता माना जाता है। ऐसे में हर कपल को देवी पार्वती और भगवान शिव से सुखी वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ सीख भी लेनी चाहिए, जिसे शिवपुराण में स्वयं महादेव ने वर्णित किया है। आइए जानते हैं। माता पार्वती की तीन ऐसे संशय हैं जिन्हें सुन लेने माँ से ही जो शादीशुदा हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली है, उन दोनों की जोड़ी भी महादेव और पार्वती माता की जैसे सदा सदा के लिए बनी रहती है। तो पहला संशय माता पार्वती का भोलेनाथ से। भोलेनाथ, संसार में जिस कन्या का वर के साथ विवाह होता है, उस विवाह के समय पर वो वर कन्या किस रूप में रहते हैं? मेरे महादेव कहते हैं, उस वर और कन्या में मेरा ही प्रतिबिंब होता है। जो दूल्हा होता है उसमें मैं स्वयं शिव विराजमान होता हूँ और कन्या में आप पार्वती। और इसीलिए हमारे घरों में जिनकी शादी हो रही होती है उनसे कहा जाता है कि तुम इतने दिन कोई काम मत करना, आराम करिए, भगवत भजन धारण करिए, क्योंकि उस वक्त उस वर और कन्या में हमारे माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान होते हैं। ऐसा ही मेरे महादेव ने पार्वती को समझाया। दूसरा संशय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, जगत संसार में जब संपदा की कमी होती है, जगत संसार में जब लक्ष्मी की कमी होती है, जगत संसार में जब वैभव की कमी होती है, तो वैभव प्रदान करने वाला कौन होता है? तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय पर वैभव संपदा की कमी हो, यदि संसार का मनुष्य मेरे चरणों का स्तवन कर ले, मेरे चरणों को स्पर्श भी कर लेता है, तो जिस चोर को मैं कुबेर बना सकता हूँ, उस कुबेर को उस व्यक्ति ने जिसने मेरे चरण को स्पर्श किया है उसके यहाँ मैं उस कुबेर को भेज भी सकता हूँ। तीसरा संशय माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, जब जीव संसार को छोड़ करके जाए तो उसको आपकी शरणागति किस प्रकार प्राप्त हो? तो बड़े प्रेम भाव से मेरे महादेव कहते हैं, देवी, केवल मेरे नाम का, मेरे मंत्र की उच्चारण मां से ही व्यक्ति मेरी शरणागति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे तीन संशय माता पार्वती के मंगल विवाह पर हुए थे, जिसे अगर मनुष्य सुन लेता है तो उसे समस्त सुखों की प्राप्ति हो करके जब वो मरता है तो उसे मेरे बाबा भूत भावन मेरे महाकाल स्वयं उसे लेने आते हैं, क्योंकि महाकाल नाम की चाबी ऐसी जो हर ताले को खोले, काम बनेंगे उसके सारे जो, जय श्री महाकाल बोले।